अगर आप अपने ज़्यादातर पेमेंट्स कैश में करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स से नोटिस। डिजिटल करेंसी का ज़माना है और सरकार ने भी काफ़ी सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही कर सकते हैं, जिससे कि कैश के ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड हों और लोग ज़्यादातर डिजिटल करेंसी में ही डील करें या ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करें, जिससे कि ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करना ईजी हो सके। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो कैश में बहुत ज़्यादा डीलिंग करते हैं, तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं, उनके पास आ सकता है इनकम टैक्स से नोटिस। आज की वीडियो में आपको ऐसे 6 ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताएंगे जहाँ पर कि आप अगर बहुत भारी मात्रा में कैश का यूज़ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, और उस समय आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कैश आपके पास कहाँ से आया। अपनी कैश इनकम का सोर्स अगर आप नहीं बता पाते हैं तो उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लिया जाता है, और फिर उस पर अंडर सेक्शन 68 और 69 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एंड पेनल्टी चार्ज की जाती है, जिस पर कि 83% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसमें कि 60% फ्लैट रेट टैक्स का है। इसके बाद 25% का सरचार्ज लगता है और 6% की आपको पेनल्टी लगती है। अनएक्सप्लेन्ड कैश पर कितना टैक्स लगता है हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन से 6 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें कि आपको कैश का यूज़ कम से कम करना है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स से कोई भी नोटिस ना आए। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज। जब आप प्रॉपर्टी कैश में खरीदते या बेचते हैं तो इसकी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के लिए कंपल्सरी है कि अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए से ज़्यादा की डील कैश में कर रहा है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देते हैं SFT के द्वारा। SFT एक रिपोर्ट है जो कि रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, और ये सिर्फ उन केसेस में बनाई जाती है जहाँ पर कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा की डीलिंग कैश में हो रही है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करें तो कैश की डीलिंग को 30 लाख रुपए से कम ही रखिएगा। अगर 30 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश में डील कर रहे हैं तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं आपके सेविंग अकाउंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग अकाउंट तो हमारी जमा पूंजी है, जितना भी चाहें उतना पैसा डालें और जितना चाहें उतना पैसा निकालें, इसमें इनकम टैक्स नोटिस आने की क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेविंग अकाउंट के लिए भी लिमिट फिक्स की गई है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं उसमें से, तब भी ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है, आपका बैंक रिपोर्ट कर देता है और तब आपके पास आ जाता है इनकम टैक्स से नोटिस। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया, आपने इतना कैश कैसे डिपॉजिट करवाया। अगर उस समय आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लिया जाता है तो इस पर फिर वही 83.25% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सेविंग अकाउंट में भी कोशिश करिए कि आपका जो कैश डिपॉजिट्स हैं और कैश विड्रॉल्स हैं वो 10 लाख रुपए से कम की रहें। इसके बाद बात करते हैं आपके करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में पूरे साल भर में आपको 50 लाख रुपए की लिमिट मिलती है कैश में डील करने के लिए। अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं पूरे साल भर में, तो इसकी सूचना आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, और इस केस में भी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया। इन केस आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपको 83.25% के हिसाब से टैक्स एंड पेनल्टी लगती है। इसके बाद आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में करते हैं तब भी आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। कैश में पेमेंट करने का मतलब है कि आप अपने बैंक में जाके अपने क्रेडिट कार्ड बिल का कैश में पेमेंट करते हैं और वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है। पूरे साल भर में ये लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर पूरे साल भर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में पेमेंट करते हैं तो ये सूचना आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। तो क्रेडिट कार्ड के केस में यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। पूरे साल भर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश पेमेंट कर रहे हैं तब भी ये सूचना डिपार्टमेंट को मिल जाती है, और अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश पेमेंट कर रहे हैं तब भी ये सूचना डिपार्टमेंट को मिल जाती है।
इसलिए जब भी अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करें तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आप ऑनलाइन मोड का ही यूज़ करें, कैश का यूज़ कम करें। इसके बाद बात करते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट्स की। अगर आप बैंक में FD बनवाते हैं और वो FD पूरे साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की हैं, आपने कैश में बनवाई हैं, यहाँ पर हम डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हमने यहाँ पर डिजिटल मोड की बात नहीं की है, ये जो आज का वीडियो है ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए है। तो अगर आप अपनी FD बनवाते हैं और वो उसमें आप कैश में पेमेंट करके FD बनवा रहे हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आपने FD बनवाई ड्यूरिंग द ईयर, फिर वो चाहे आपने पार्ट पार्ट में बनवाई हो या आपने इकट्ठा 10 लाख रुपए कैश देके बनवाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश में FD बनवाई, तब भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, साथ ही आपके 26AS में ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश यूज़ किया है FD बनवाने के लिए। चाहे आप पूरे साल भर में पार्ट पार्ट में बनवाएं, आप 1-1 लाख रुपए की बनवाएं या फिर आप इकट्ठा कैश दे के बनवा लें, नो मैटर, दोनों ही केसेस में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है और वो आपसे इस पैसे का सोर्स पूछ सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मानकर इस पर 83.25% के हिसाब से टैक्स एंड पेनल्टीज लगती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में इस समय काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, यहाँ पर रिस्क तो हाई होता ही है लेकिन साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो FDs वगैरह आपकी सिक्योर तो हैं, वहाँ पर आपका रिस्क कम है लेकिन उसी तरह से वहाँ पर आपको रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट में शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस परचेज करते हैं, डेरिवेटिव्स परचेज करते हैं, तब भी अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं और साल भर में आपने 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस कर लिए कैश में, तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, क्योंकि सभी स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर AMCs को ये कंपलसरी है कि जो भी लोग 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश डीलिंग करेंगे पूरे साल भर में, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं SFT के थ्रू। इसलिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड के केस में भी अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को एक्सीड करते हैं तो वहां पर भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, उसका सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए ये कैश आपके पास कहां से आया। ये 6 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कि कैश में डीलिंग करने के लिए लिमिट रखी गई है, और अगर आप इन लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए अगर आप कैश में डीलिंग करना चाहते हैं तो आप इन लिमिट्स के अंदर है कर ही कैश में डील करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो और इनकम टैक्स से आपको नोटिस ना आ सके। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।